मैं अकेला उठा कर समझ आए सर आप अकेले अभी ऋषभ बैठ जाओ पीछे तुम ऋषांत के समय चलो पीछे आई एम रेडी सर जितना आप रखते हैं आपने शुरुआत बहुत सही की कि गलत फहमी है हाथी नहीं घोड़ा भी हिरन भी जो फुर्ति है हिरन की जो हाथी की ताकत है और जो घोड़े की मस्कुलैरिटी है वो वेजिटेरियन होने से होती है आपको पता होना चाहिए आप क्या कितना कब कैसे खाएं ये समझ आ जाए तो आप जो मर्जी कर सकते हैं सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरनेशनल डायरेक्टर के साथ काम करके मेरा तो बहुत गर्व फील हुआ बहुत मजे है कि हिंदुस्तान उठ के हॉलीवुड जा रहा है और हम लोग ने हॉलीवुड के सबसे उम्दा डायरेक्टर को हिंदुस्तान लाए और जिन्होंने मास्क बनाई थी मेरे लिए खुशी की बात है इन्होंने ड्वेन जॉनसन रॉक जो एक्शन के सबसे बड़े स्टार हैं इस समय उनको लॉन्च किया मैं खुश हूँ कि हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट इंटरनेशनल पर्दे पे दर्शाने का मौका मिल रहा है खुशकिस्मत जब आपने इंटरनेशनल सर आपका एक्सपीरियंस कैसा था सेट्स पे एनिमल्स के साथ काम करके जानवरों के साथ बहुत मजा आता है जिन्होंने कभी जानवर पाला है चाहे वो कुत्ता हो बिल्ली हो या कोई भी जानवर जिनके पास गाय है बकरी है एक इमोशनल कनेक्ट होता है जो कोई इंसान समझा नहीं सकता और कुछ साल पहले मेरे कुत्ते की डेथ हो गई थी और मैं आपको एक्सप्लेन बता नहीं सकता हूँ कि वो जो एक इमोशन है जो बिना बातों के कनेक्ट किया जाता है या बिना समझाई किया जाता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है ये फिल्म हमने उनके लिए बनाई है जो जानते हैं कि जानवरों के साथ क्या कनेक्शन है ये उन लोगों के लिए भी बनाई है जिनको कुछ आइडिया नहीं और जैसे कि आप अर्बन सिटीज में रह रहे हैं और आपने जाहिर तौर पर फिल्म की शूटिंग जंगलों में की होगी काफ़ी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है हमारे अभी तो इस बारे में क्या फिल्म कोई मैसेज दे रही है क्या कुछ है अगर हम एनवायरमेंट के बारे में बात करें तो ये फिल्म हाथियों पे बनाई है हमने हम कुत्तों को भी चूज़ कर सकते थे क्योंकि हमारा कनेक्शन होता है जानवरों में बिल्ली को भी कर सकते हैं बट हाथी इतना विशालकाय जानवर है हम लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा है अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है या हाथियों का ज़्यादा आभास नहीं है लोगों को कि वो क्या क्या कर सकता है हाथी के अलावा राइनो है ऐसा जानवर शेर हैं जो ख़त्म हो रहे हैं हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हिंदुस्तान से एक ऐसी फिल्म निकल रही है जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जो सबसे बड़ा ग्लोबल मुद्दा है वो है तस्करी जानवरों को मारना उस पर हम लोगों ने एक फिल्म बनाई है और दोस्ती की कहानी है एक हाथी और एक इंसान की दोस्ती एक जानवर और एक इंसान की दोस्ती दो दोस्तों की नहीं सब लोग साथ में बोलते हैं मुझे तब भी समझ आता है बोलो अदर देन मेंटल तैयारी के अलावा मैंने फिजिकल तैयारी की क्योंकि ऐसी कोई फिजिकल तैयारी नहीं है कि आप एक इतने विशाल के जानवर के साथ खड़े हो सकें अपने आप को मेंटली बहुत चेंज करने की ज़रूरत थी ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत थी कि जानवर ऐसे नहीं होते हैं कि आप किसी को बोलें कि अरे वाह सर क्या कमाल की शर्ट पहनी है और जानवर कहेगा वाह वाह आई लाइक योर हेयर स्टाइल आई लाइक द ग्लासेज यूर वेयरिंग ये लोग शब्दों में ना ही यकीन करते हैं ना ही मानते इस जंगल में इंटरव्यू लेना कितना डिफिकल्ट है उससे बहुत आसान था सर राजेश फ्रॉम दिल्ली 19 मैंने आपकी जब टीजर और कुछ वीडियोस देखे तो उसमें हमने ये भी देखा कि आप कुछ एक्शंस कर रहे हैं जिस तरह से जानवर करते हैं जैसे क्रोकोडाइल और किस तरह के जानवर के उसी तरह से हमने करते हुए देखा कुछ आप एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो भी स्टंट भी काफी डिफिकल्ट थे बोटल्स पर तो इसमें क्या था सर इसके बारे में हम जानना चाहेंगे मैं हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट करता हूँ कलरी पाइट ये सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट है कराटे कुंफू जूडो जिजुत्सु कपुएरा मैं लोगों से सुनता हूँ ये सब कलरी पैट से निकला है कलरी पैट योगा का एक वर्जन है जो फ्लूइड है मूवमेंट के साथ है सो कलरी पैट में हिंदुस्तानी एक इकलौती मार्शल आर्ट है जहाँ पे एक एनिमल मूवमेंट है जिसमें इंसान अगर जानवर की तरह मूव करे हिंदुस्तानी वेदा में कहा है कि 36,000 जोनियाँ 36,000 लाइफ टाइम्स लेनी पड़ती हैं इस पृथ्वी में एक जन्म में एंजॉय करने के लिए जो पॉसिबल नहीं है सो वैदिक साइंस कहती है कि अगर आप एक जानवर को की तरह मूव करें उसकी तरह सांस लेना सीख लें तो आप उसकी सारी अच्छाइयाँ अपने अंदर ला सकते हैं जैसे शेर की जो ताकत है या घोड़े की ताकत है या
हिरन की फूर्ति है या गाय के एक्शन स्टंट्स परफॉर्म करने में जो स्क्रीन पे नहीं दिखती जी. तो सर उसके बावजूद आप कैसे अपना मोटिवेशन बनाए रखते हैं कि वो खतरनाक स्टंट्स परफॉर्म करें? यार मेरे पिताजी हिंदुस्तानी आर्मी में थे, मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ जो मैं बहुत गर्व के साथ बोलता हूँ. और जब हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में हिस्सा लेते हैं जिसे आउटसाइडर बोलते हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको पूरी जान देनी पड़ती है. सो चोटें तो लगती हैं, बट जब मैं बाहर जाता हूँ मुझे रिएक्शन मिलते हैं, लोग इंस्पायर होते हैं, मुझे बहुत खुशी भी होती है. दरअसल मेरे ख्याल से हाथी मेरा साथी या माँ के बाद एक ऐसी फिल्म बन रही है जहाँ पे सब कुछ असल का है. जो हाथी देखते हैं या जो मैंने सांप पकड़ा वो सब हकीकत के हैं. इस तरह की फिल्में बन भी नहीं रही हैं. नॉर्मली VFX CGI का इस्तेमाल होता है सिर्फ क्योंकि मेरे डायरेक्टर चक रसल वो चाहते थे कि हम दिन में ही शूट करें क्योंकि रात को जानवर सोते हैं. सो हमने जो CG का काम किया है वो दिन को रात में शिफ्ट किया, बाकी सब हकीकत का है. अच्छा काम करने के लिए इसका जवाब देना चाहूँगा, परमिशन तो पीटा बहुत खुश है. अच्छा काम करने के लिए नॉर्मली परमिशन लेनी नहीं चाहिए मुझे लगता है, और अगर परमिशन लेते रहेंगे तो हम जिंदगी और वेट ही करते रहेंगे. जब अच्छा काम करने का मौका मिले कर दीजिए. मैं पीटा का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ. और जो भी मैं करता हूँ अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जानवरों को कुछ हानि ना. आप कौन सी अखबार या मैगजीन पढ़ रहे हैं मुझे भेजिएगा जरूर, क्योंकि ये मैंने पहली बार सुना है. बट समुराय में फुर्ती बहुत होती है, ये बात सही है. आप किसी भी चीज पे प्रैक्टिस करें आप उसको अपना बना सकते हैं और आराम से कर सकते हैं. See, difference, I can tell you what really stands out is the fact that he's worked on Mask, he's worked on Scorpion King. That means he's worked with great animals. He's comfortable with the other species. Arnold Schwarzenegger being one, like he's worked with Arnold also. So he's very easy with the animal. He knows how to be. He knows how to let them be. That's the uniqueness. Sir, what was the work ethics, if I compare to Bollywood director? Kuch difference tha agar main Bollywood director se compare karu? Comparison mere khayal se karna kisi bhi cheez mein sahi nahi hai. Ye comparison ka ek bahut bada chakkar chal raha hai. Main isse compare karta hu, usse compare karta hu. As a human being, I can tell you he is one of the most successful directors I have worked with. He is an elite human being. Aapne dekha hoga abhi aapne mile unse. Sacche dil se milte hain. जो लोग कहते हैं डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, नाइस है, और कुछ नहीं चाहिए. आपके मार्शल आर्ट्स के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो आप उनके लिए कोई टिप देना चाहेंगे आप क्या फिटनेस फॉलो करना है? जो मार्शल आर्ट्स के फॉलोअर हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगा, और जो जिन्होंने कभी मार्शल आर्ट नहीं भी किया या योगा नहीं किया या ट्रेनिंग नहीं शुरू की है, एक बार आप शुरू करिए. और ये मत सोचिए कि 10 दिन में टेस्ट करता हूँ, 3 महीने दीजिए. अगर आप चाहते हैं कि मुझे वेट लूज करना है, अपने आप को समय दीजिए. समय देंगे उसके साथ जुटे रहेंगे, आपको जो रिजल्ट चाहिए मिलेगा. आपके स्टंट को टोनी क्या से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि उनकी भी एक फिल्म है हॉलीवुड में, अगर आपने देखी हो तो उससे आप कितना डिफरेंट एक्शन करते हुए मिलेंगे इस फिल्म में, और आप कुछ कहना चाहें उनके बारे में? आप कौन से चैनल से हैं सर? सर नमोकार चैनल. नमोकार चैनल और नव भारत टाइम में कंपैरिजन हो सकता है क्या कभी? नहीं पूछ रहा हूँ जी. नहीं सर नहीं हो सकता. अगर उम्दा राइटर लाए जाए, उम्दा जर्नलिस्ट लाए जाए, तो दोनों बराबरी के होंगे. टोनी जा के साथ कंपेयर हो रहा है सिर्फ क्योंकि हाथी सिमिलर है और एक्शन जॉनर है. जो जंगली फिल्म हमने बनाई है वो हम लोगों ने फैमिलीज किड्स के लिए बनाई है. खून खराबा नहीं है, ऐसे कोई सीन नहीं है जिससे लोगों को मोह किया जाए. एडवेंचर है, एक्शन है, और बहुत बहुत बड़ी दोस्ती की. सर की बात करें तो चाइल्ड एलिफेंट के साथ आप तो जो हम देख रहे हैं जिस तरह से एक्ट करते हुए, तो वो पल आपके जहन में कैसे हैं, कैसे आपके जहन में रहने वाले हैं आगे तक, क्योंकि एक्शन फिल्म में तो आप काफी करते हैं? तो हाथियों के साथ बहुत अलग था. हाथी का जो बच्चा होता है, पहले तो हाथी का बच्चा सिर्फ साउंड में ही होता है. अगर मेरा 85 किलो वेट है वो 300 किलो का होता है, और उसको कुछ पता नहीं होता, वो सीधा आके घुस जाता है, और उसको लगता है कि ऐसे ही खेलते हैं, और हम जिनको पता नहीं होता गिर जाते हैं. सो एक अलग एक्सपीरियंस है. ये अनुभव मैंने किया नहीं था, मैं खुश हूँ कि मैंने किया. सर,
क्योंकि काफी लंबा टाइम चलता है फिल्म की शूटिंग में, साथ ही अपना कई तरीके से आप एक्टिविटीज लेते हैं हाथी से, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हाथी से लड़ाई नहीं है किसी से भी, मतलब डायरेक्टर की जगह हाथी ने बोल दिया पैकअप, तो ऐसा कुछ। सो जैसे आपने बोला कि बहुत विशाल है हाथी, बहुत विशाल है, बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिनमें रियल ताकत होती है, जो अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो डराते डरूते नहीं है, हाथी को जरूरत नहीं है, हाथी बहुत संयम में रहता है। मैं सेट पे था जहाँ पे 20-30 हाथी रोज मिलते थे, मैंने आज तक नहीं सुना कि एक हाथी ने आदमी को धक्का मार के गिरा दिया, या हाथी के पाँव की तरफ भागे आते हैं तो बड़ा इमोशन होता है उनको, बहुत बड़ी कई बार बड़ी लड़ाई मचाते थे कि हाथी का पाँव किसी के ऊपर पड़ा है, बट आप एक कमरे में 5 लोगों को रख दीजिए आप पक्का टकराएंगे, इतनी समझ है हाथियों को। सर दूसरी बात, आप ही का सवाल का जवाब दे रहा हूँ, एलिफेंट कॉरिडोर्स करके एक चीज होती है, हिंदुस्तान में 88 है, पूरी दुनिया में एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है, अगर आपको नोएडा से दिल्ली आना है सो एक रास्ता होता है, हाथियों के लिए स्पेशली बनाए गए हैं ये रास्ते, पगडंडी टाइप होती है, मगर हाथी पिछले 200-300 सालों से नेचुरली वहां जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनके डीएनए में एक मैप है, वो पूछते नहीं है सिर्फ पहुंचते हैं। जब वो उस रास्ते से जा रहे होते हैं अचानक उनको दिखता है, अरे वाह 3 महीने बाद बिल्डिंग खड़ी हो गई है, यहाँ कोई बंगला आ गया है, अरे यहाँ पे तो रिजॉर्ट खुल गया, उनको समझ नहीं आती और वो वहाँ अंदर चले जाते हैं, जब अंदर जाते हैं तो पुलिस कंप्लेन हो जाती है, अरे हमारे घर में हाथी आ गया इनको मार दिया जाए, दरअसल हम उनके घर में घुस रहे हैं। जंगली का जो बेसिक कहानी का तथ्य ये है बच्चों को समझाने के लिए किस तरह से हम ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, इट इज़ एजुकेटिव इन अ वेरी सिंपल सिंपल वे। बहुत सारे हैं, आप किसी एक आदमी को देख कर जिंदगी भर अगर आप उसको रोल मॉडल बना लेंगे तो आप अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ देंगे। मैंने अक्षय कुमार, जैकी चैन, अजय देवगन, जेटली सबसे बहुत इंस्पायर हुआ और मैं खुश हूँ कि मैं हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट कलरीपयट को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं खुश हूँ कि हिंदुस्तान का एक आदमी अब बाहर जा रहा है और एक डायरेक्टर को यकीन है कि हम इस मार्शल आर्ट को दुनिया में प्रसिद्ध कर सकते हैं। सर कोर्स के बाद आपने कोई भी थैंक यू आपने एक बार एक फिल्म का ऑफर दिया था क्लास पीछे, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया था, इस बारे में क्या कहेंगे? जैकी चैन ने मुझे एक ऑफर दिया था, मैंने रिजेक्ट कर दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको जैकी चैन कोई ऑफर दे तो वो वर्ड मैं बोलूँ कि मैंने रिजेक्ट कर दिया वो गलत है। इसके पीछे एक और भी कहानी थी कि जो दूसरा कैरेक्टर था वो हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट करता था और जो चाइनीज मार्शल आर्ट है उसको हरा देती है, जो उस बात से मैं सहमत नहीं था, बट जैकी चैन को मैं भगवान मानता हूँ और उनको मैंने रिजेक्ट नहीं किया था, मैंने उनको समझाया था, सर ये मैं कला बचपन से कर रहा हूँ, मैं नहीं देख सकता कि फिल्म में या किसी और तरीके से उसको हराया जाए। सर बॉलीवुड में बॉडी बिल्डिंग कितना अहमियत रखता है सर, जैसे आपको भी हम देख रहे हैं वैसे देख रहे हैं, आप भी बॉलीवुड के हिस्से हैं, आपकी बॉडी में एक रुपए की मसल नहीं है तो अहमियत नहीं रखता। अगर आप में टैलेंट है किसी भी तरह का, चाहे आप अच्छे सिंगर हो, अगर आप एक बहुत अच्छे एक्टर हो, अगर आप एक अमेजिंग डांसर हो, कोई भी टैलेंट है आप में, बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आपको जरूर एक्सेप्ट करेगी, मगर ऐसा टैलेंट होना चाहिए किसी और के पास ना हो। थैंक यू सर, कट व्हिच करवा दीजिए बस एक मिनट। आपको तो मौका नहीं दिया लोगों ने, मैंने देखा मगर मौका लेना पड़ता है। बाय बाय।